मेरे पैरों के छाले देखकर तेरी आंखों में आंसू आ गए। जरा सोच कर देख कि इतने सालों में मेरा क्या हाल हुआ होगा। जय भीम साथियों, आपका स्वागत है सामाजिक परिवर्तन की पाठशाला के एपिसोड 4 में। और आज हम बात करेंगे उस दुख भरे किस्से की, जिस किस्से को सुनकर आप ये जरूर सोचने पर मजबूर होंगे कि हमारे महापुरुषों ने कितने दर्दनाक संघर्ष किए। साथियों, बात है सन 1980-81 के दशक की, जब माननीय कांशीराम साहब को अपने एक साथी, अपने एक मिशनरी कार्यकर्ता के घर पंजाब लुधियाना जाना था, जिसका नाम था सतपाल। फिर क्या था, माननीय कांशीराम साहब बस पकड़ के लुधियाना के बस अड्डे पहुंच कर उतर गए। फिर माननीय कांशीराम साहब ने एक रिक्शे वाले को आवाज़ दी और कहा कि मुझे फलां जगह जाना है। तो रिक्शे वाले ने कहा कि 5 रुपया लगेगा। तो माननीय कांशीराम साहब ने जब जेब देखी तो माननीय कांशीराम साहब के पास महज 8 आने थे, यानी कि 50 पैसे। जब माननीय कांशीराम साहब ने रिक्शे वाले से कहा कि मेरे पास 8 आने यानी 50 पैसे हैं, तो रिक्शे वाले ने साहब से बात करना भी गवारा नहीं समझा और रिक्शे वाला आगे निकल गया। साथियों, जून की तपती गर्मी थी, ऊपर से धूप की तेज रोशनी पड़ रही थी। लेकिन फिर क्या था, माननीय कांशीराम साहब ये सोचने लगे कि अगर मैं यहाँ पर शाम तक का इंतज़ार करता हूँ, इस धूप के ढलने का इंतज़ार करता हूँ, तो समय निकल जाएगा। साथियों, 3 किलोमीटर का सफ़र था। फिर माननीय कांशीराम साहब ने उस सफ़र को पैदल ही तय करने का फैसला कर लिया। साथियों, माननीय कांशीराम साहब 1.5 किलोमीटर पैदल चले कि उनके पैर में जो चप्पल थी उसकी एक चप्पल की बद्दी टूट गई। फिर माननीय कांशीराम साहब ने उस चप्पल को उठा के उस बद्दी को बहुत जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो बद्दी इस हालात से टूटी हुई थी कि वो बद्दी दोबारा नहीं जुड़ी। फिर माननीय कांशीराम साहब ने एक पैर में चप्पल और एक पैर से नंगे पैर ही चलना ज़रूरी समझा, क्योंकि साहब ने कहा कि मुझे जहाँ पहुँचना है मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा। साथियों, माननीय कांशीराम साहब थोड़ा और आगे चले, जब तपती धूप थी, जब वो गर्मी सहन नहीं हुई, तो एक और रिक्शे वाले को माननीय कांशीराम साहब ने आवाज़ लगाई और बोला कि मुझे फलां जगह जाना है। लेकिन रिक्शे वाले ने फिर वही 8 आना और 50 पैसे देखकर साहब की बात को सुनना ना गवारा समझा। साथियों, माननीय कांशीराम साहब ने फिर सतपाल के घर तक का सफ़र पैदल ही चलने का तय कर लिया। और थोड़ी दूर चलने के बाद माननीय कांशीराम साहब के पैर में जो दूसरी चप्पल थी उसकी बद्दी भी टूट गई। और माननीय कांशीराम साहब पैदल 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 तपती धूप में, दोपहर के समय में, धूप की उस तेज रोशनी में पैदल सतपाल के घर पहुंच गए। जैसे ही सतपाल ने माननीय कांशीराम साहब को देखा तो सतपाल ने कहा कि साहब आपने ये क्या किया। साथियों, माननीय कांशीराम साहब के पैरों में छाले पड़े हुए थे। जब सतपाल की आंखों में आंसू आए तब माननीय कांशीराम साहब ने कहा कि मेरी हालत देखकर तेरी आंखों में आंसू आ गए, मेरे पैर के छालों को देखकर तेरी आंखों में आंसू आ गए, जरा सोच कि इतने सालों के संघर्ष में मेरा क्या हाल हुआ होगा। सतपाल ने माननीय कांशीराम साहब से कहा कि साहेब, बस अड्डे उतरकर मुझे फोन लगा दिया होता तो। माननीय कांशीराम साहब ने थोड़ा चिड़चिड़ाहट के साथ बोला कि क्यों, फोन क्या पेड़ पर लटक रहे थे जो मैं उतार कर तुम्हें फोन कर देता? जब मेरे पास रिक्शे में बैठकर तुम्हारे घर तक आने के लिए पैसे नहीं थे तो मैं फोन कहां से करता? बस इतना ही सुनकर सतपाल चुप हो गए। फिर ज्यादा बात ना करते हुए माननीय कांशीराम साहब ने ना धोकर धोती लपेट कर वहां खाना खाने के लिए बैठ गए। और रात को जब सो गए तो साथियों, रात में सतपाल की जो पत्नी थी, सतपाल की पत्नी ने माननीय कांशीराम साहब के बारे में सोचा कि उनके कपड़े जो पड़े हुए हैं बहुत मैले हैं, उससे बदबू आ रही है पसीने की, मैं उनको धो देती हूँ। तो जैसे ही सतपाल की पत्नी ने माननीय कांशीराम साहब के कपड़े उठाए धोने के लिए, तो साथियों आप ये सोचिए कि वो पीड़ा क्या रही होगी कि सतपाल की पत्नी ने देखा कि माननीय कांशीराम साहब का जो पैंट थी, पैंट के नीचे एक लंबा सा जो कच्छा होता है साथियों, शर्ट जो थी उसमें छेद हुए हुए थे। माननीय कांशीराम साहब की जो बनियान थी उसमें छेद हुए थे। इस दुख को देखकर सतपाल की पत्नी ने ये सोचा कि कांशीराम साहब के पास तो और कपड़े होंगे, ऐसे कपड़ों को भला वो क्यों पहनेंगे। तो सतपाल की पत्नी ने वो कपड़े धोने गवारा नहीं समझे और उसने वो अपने घर के बाहर जाके न जाने कहाँ फेंक दिए। मुझे बहुत अच्छे से वो स्टोरी याद नहीं है, मतलब वो कपड़े उन्होंने फेंक दिए।
सुबह उठकर मान्यवर कांशीराम साहब नहा धोकर सतपाल से कहने लगे कि मेरे कपड़े कहाँ यहाँ रखे थे। तो सतपाल ने कहा कि वो तो मेरी पत्नी ने फेंक दिए क्योंकि वो बहुत फट गए थे। तो मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा कि अब मैं क्या पहनूंगा, मेरे पास और कपड़े भी नहीं है। लेकिन सतपाल को ये जानकारी नहीं थी कि मान्यवर कांशीराम साहब के पास कोई कपड़ा नहीं है। तब सतपाल तुरंत जाकर मार्केट गए और मान्यवर कांशीराम साहब के नए कुर्ता और पैजामा लेकर आए और मान्यवर कांशीराम साहब कैडर के लिए मीटिंग के लिए लुधियाना में सतपाल के साथ चले गए जहां उन्हें जाना था। फिर साथियों कैडर लेने के बाद कांशीराम साहब आकर सतपाल के घर 2 दिन रुके। उन्होंने मिशन मूवमेंट इस कारवां को कैसे आगे बनाना है वो तमाम योजनाएं बनाई और उसके बाद जब वो सतपाल के घर से जाने लगे तो सतपाल की पत्नी ने जो उनके कपड़े धो रही थी, जिन्होंने उनका फटी हुई शर्ट देखी, फटी हुई पैंट देखी, उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब को 2 जोड़ी कुर्ता पैजामा पैक करके दिए और मान्यवर कांशीराम साहब से कहा कि साहेब अगर आपने दोबारा फटे हुए कुर्ते पजामे पहने तो हम आपसे बहुत नाराज होंगे। तब कांशीराम साहब ने पलट के जवाब दिया कि मैं अच्छे कपड़े पहनूं ये मायने नहीं रखता है। डॉक्टर अंबेडकर का मिशन हमारे शोषित वंचित हक वंचित समाज को वो सब कुछ मिले जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर चाहते थे, जो उनको कभी नसीब नहीं हुआ, ये मायने रखता है। बस इसी बात को सुनकर सतपाल और सतपाल की बीवी दोनों रोने लगे और कांशीराम साहब ने कहा कि मेरा जीवन एक संघर्ष है और मैं इसी संघर्ष में इस समाज को हुक्मरान बनाने के लिए घूमता फिरता रहूंगा, आप मेरी चिंता मत करो और अगर मुझसे गुस्सा हो जाओगे तो मैं समाज में काम कैसे करूंगा, इसीलिए आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और इतना कहकर मान्यवर कांशीराम साहब सतपाल के घर से वापस लौट गए। साथियों ये था वो दर्दनाक किस्सा जो ये बयां करता है कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कितनी दुख तकलीफ पीड़ा के साथ फटे हुए कपड़े पहनकर इस सोए हुए हक वंचित समाज को सारे हक दिलाने के लिए कार्य किए, लेकिन आज 21वीं सदी में उनका कारवां बिल्कुल पस्त होने की ओर है। मैं देश के तमाम साथियों से, तमाम बुद्धिजीवियों से, तमाम नेताओं से ये कहूँगा कि आप अपना निजी हित, निजी महत्वाकांक्षाएँ छोड़कर, पारिवारिक हित छोड़कर, समाज हित देखते हुए हमारे तमाम महापुरुषों ने जो त्याग किए, जो बलिदान किया, जो संघर्ष किया, जो धूप में नंगे पैर चले, उनके पैरों में जो छाले पड़ गए इस समाज को, इस हक वंचित समाज को सब कुछ देने के लिए, उनके कारवा को पूरा करने के लिए जोर लगाइए। साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए इस विषय को आप समझेंगे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे और मान्यवर कांशीराम साहब फूले शाहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करेंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान।